प्रदेश में भाजपा के आरोपों के बदले कांग्रेस की ओर से रमन सरकार ने 15 साल की गड़बड़ियां सामने लाने पर पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार आरोप नहीं लगाती बल्कि जांच करती है। सरकार में हिम्मत है तो 15 साल में क्या क्या हुआ जांच करा ले। 4.5 साल में अब तक क्यों जाँच नहीं कर ली गयी? अजय चंद्राकर ने कहा कि राजनीति मर्दों जैसी होती है, हिम्मत है तो जाँच करा ले। इसका एक अध्ययन आप लोगों को स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है ये, जिसके लिए राज्य सरकार में 1 रुपये का बजट नहीं है, और वहाँ पे यदि किसी पत्थर में या स्टैंड बना के लिखा है इतने की लागत लिखी है, पर मद का नाम नहीं लिखा है। कहाँ पैसा लगा है इस सरकार को, कहाँ पैसा लगाना है ये बताने में संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है इस सरकार को कि 15वां वित्त आयोग का पैसा ये लगाए हैं, डीएमएफ का पैसा लगाए हैं। डीएमएफ के पैसे को किसमें उपयोग किया जाना है? 15वां वित्त आयोग के पैसे को बिना सरपंच के, माने बिना पंचायत की अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता। ये यहां से निर्देश देख खर्च कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा लगा है। अब मॉडल गोठाने का रोड मैं कल गया था, माननीय कवासी लखमा जी उद्घाटन किया, क्या होता है मॉडल गोठान? मॉडल गोठान में कुछ नहीं, टंकियां फटी हुई हैं, पीने के गौ माता के पीने का पानी नहीं है, छाए नहीं है, शेड नहीं है, कुछ नहीं है, न घेरा है, और घेरा लगवाए थे वो चोरी हो गया, बांस का घेरा लगाए थे, और जो गेट लगा था उसका मूल्य 70,000 रुपया था, वो भी पूरा राचर जिसको बोलते हो पूरा चोरी हो गया। तो गौ माता की सेवा के नाम से खुला भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार का नंगा नाच कांग्रेस सरकार कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गोठान में होना क्या क्या चाहिए। एक गोठान में गया था, गोठान की जमीन में ईंटा बना रहे हैं लोग। अब ईंटा बना रहे हैं तो उसमें गौ माता कैसे जाएगी? भाई मैं इतनी दूर में रुक गया जाके कि साहब अब इससे आगे तो आँच आ रही ना बहुत, कैसे जाए करके। तो एक मॉडल गोठान में या आदर्श गोठान में क्या क्या होना चाहिए पहले सरकार तो तय कर ले, इसकी फंडिंग हो, एक बनाए लेकिन मॉडल के अनुरूप बनाए, कहीं अलग कहीं अलग कहीं अलग कहीं कुछ नहीं कहीं कुछ। तो जो भूपेश बघेल जी बोले वही मॉडल को उठाना है भाई, आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। सत्तारूढ़ दल का काम आरोप लगाना नहीं, सत्तारूढ़ दल का काम जांच कराना है। वो हमारे ऊपर, हम कुछ भी आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर कहीं खोज के निकालते हैं ना, तो उनको मना किसने किया है कि हमारे समय में खदाने घोटाला हुआ था, हमारे समय में शराब घोटाला हुआ था, कागज में क्यों बोलते हैं? हिम्मत है, दम है तो जांच कराएं। झीरम में क्या कर ले, क्या जांच करवा ली, उसमें क्यों आरोप नहीं लगा? तो अपने नेताओं के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा बना के रखे। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, तो उसमें हिम्मत है तो जो आरोप लगाते हैं उसकी जांच कराएं। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, सत्तारूढ़ दल का काम नहीं है। मर्दों जैसी राजनीति करनी चाहिए।